कानून जिंदा है और सच की जीत हमेशा होती है। ये आज नफरत हारी और मोहब्बत जीती का जो नारा है कांग्रेस पार्टी का, ये नारे में आज पार्टी ने नफरत को हार दी और मोहब्बत जीत गई। हमारे वरिष्ठ बोल रहे थे जमील क्रांति साहब के बीजेपी ने इनको पहचानने के अंदर गलती की राहुल जी को, शायद वो मेरे को, मैं को ऐसा लगता है कि वो बात बोलते बोलते ये भी भूल गए, वो बोलना भूल गए शायद कि मालेगांव के कुछ राजकीय लोगों ने भी हमको पहचाना नहीं, अब वो भी गलती कर रहे हैं जो हम लोग बता दे रहे शहर के अंदर कि हम क्या है, ये आप लोग पत्रकार लोग देख रहे हैं, ये शहर देख रहा, हम जो है लड़ाई जो लड़ रहे हैं आवाम के लिए, ये नफरत की जो सियासत थी मालेगांव के अंदर एक नंबर के ऊपर वो खत्म करेंगे और खत्म होते दिखाई दे रही है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो भ्रष्टाचार कारपोरेशन के अंदर 5 साल हुआ, आपने देखा कि हमें 3 दिन तक का मरण व्रत किया, जब कल मेरी हालात इतनी खराब होने के एकदम बस करीब करीब पहुंच गई थी, कमिश्नर से हमने बात की, उससे वादा किए, उसने हमें लेटर दिया। तो ये मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी भी कहीं भी आज लीड लेते हुए दिखाई दे रही। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना तो यहाँ पे 5 लोग बैठते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 500 के आज अल्लाह का करम है। मैं समझता हूँ कि हमारी तादाद अब शहर के अंदर 50,000 के तक पहुंच गई। तो ये हमारा जो नारा है नफरत हारी और मोहब्बत जीती, ये नारा लेकर कांग्रेस पार्टी मुल्क के अंदर राज कर रही। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे वरिष्ठ नेता राहुल जी, गांधी जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, नाना पटोले जी, बाला साहब थोरात हमारे, अभी उनको भी मुबारकबाद आपके चैनल से देता हूँ, वैसे तो मैंने दे दिया उनको, वेडट्टीवार साहब को जिनको आज पार्टी ने अपोजिशन लीडर बनाया। आज हमको खुशी का मुकाम है कि एक आदिवासी समाज के, एक अन्य समाज के लोगों को पार्टी ने इतना बड़ा अहदा दिया, आज सबको पार्टी लेकर चल रही है, ये हमारे बहुत बड़ी जीत है। और आप लोगों के चैनल से शहर के तमाम लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं, हिंदुस्तान के वो नेता लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं जिन जो लोग लगे थे इसके अंदर। हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब भी, हम दिल्ली गए थे अगले हफ्ते में, 15 दिन पहले इत्तेफाक जुमा का ही दिन था और जुमा के दिन उनका निकाल आने वाला था, हम सुबह से ही वहाँ जमा हुए, बहरहाल उस दिन नहीं हुआ, उसकी तारीख बढ़ गई। मैं हमारे इमरान प्रताप गढ़ी जो सांसद है महाराष्ट्र से, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने कम टाइम के अंदर पार्टी के इतने नौजवान बुजुर्ग हजरात सब पार्टी के लोग यहाँ जमा हुए, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ना सच को जितना दबाओ उतना उछलता है और यही हुआ, वो उनको जितना रोकते गए राहुल गांधी अपने आप को उतना मनवाते गए, अवामी बेस पर बोलो या मुल्क की सतह पर बोलो, नफरत के माहौल में उन्होंने मोहब्बत की जो दुकान खोली, 3500-3600 किलोमीटर चलना, भारत को जोड़ना, लोगों को एक साथ लाना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ बीजेपी का कोई भी बड़े से बड़ा लीडर 35 किलोमीटर चल के बता देवे, वो शख्स 350 नहीं 3500 किलोमीटर चल के उसने जो कारनामा अंजाम दिया है और जिस ढंग से वो चलता रहा। देखिए जिस फैमिली में जिसका बाप बम का शिकार हो गया हो, जिसकी दादी गोलियों का शिकार हो गई हो, वो फैमिली कितनी महदूद हो जाती है। हमारे तुम्हारे जैसे खानदान का कोई होता तो हमारे वालदेन बोलते नहीं घर में बैठ, कोई ज़रूरत नहीं अवामी खिदमत के नाम पे अपने आप को झोंकने की। मगर मुबारक है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद वो शख्स आले लेलान पैदल चलता है, कहीं भी आवाम में घुस जाता है। ये उस शख्स की इस देश से, इस देश के रहने वालों के साथ मोहब्बत और जोड़ने की निशानी है। उनको जिस ढंग से फंसाया गया मैं कहूँगा, और उन्होंने जीत से जो बात कही कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा है सही कहा है कि मोदी नाम के लोग ही क्यों ये सब करते हैं, जितने लोगों के साथ मोदी नाम लगा है वही क्यों देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश का पैसा लूट कर बाहर भागते हैं। इसी बुनियाद पर उनके ऊपर केस किया गया, उनको 2 साल की सजा हुई और आज खुशी का मुकाम है तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तमाम कोर्टों के फैसले को लात मारते हुए उनको राहत दी है। ये हम कांग्रेस के मानने वाले लोगों के लिए, सेकुलर जहन रखने वालों के लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं आप लोगों से दस्तबस्ता यही गुजारिश करूंगा कि ये मामला अब शुरुआत का है। देखिए मुल्क एक करवट ले रहा है, नो में जो कुछ हो रहा है, दूसरी जगह जो कुछ हो रहा है, अकलियों के साथ तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हर कोई ये समझ चुका है
कि इस देश की कश्ती को अगर कोई पार लगा सकता है तो कांग्रेस पार्टी है और उसके अकाबरीन ही लगा सकते हैं। और इसमें अगर सबसे ज्यादा महफूज रहना है अकलियतों को, खासतौर से मुसलमानों को, तो उसको कांग्रेस के साथ जुटना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं, बहुत खुशी की बात है, आज से चंद महीना पहले हम लोग 5-7 लोग यहां बैठा करते थे, आज मैं देख रहा हूं यहां ना सिर्फ लोग बैठे हैं बल्कि 80-90% नौजवानों की एक टीम यहां पर मुझको दिख रही है। मुझको इस शहर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कांग्रेस को जैसे भी बावकार ढंग से इस शहर में हम हमेशा अपने आप को मनवाते रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो लोग हैं वो बहुत उम्मीद अफजा मुकाम हमको दिख रहा है कि हम लोग कांग्रेस को कहीं से भी नाउम्मीद नहीं होने देंगे। हमारे मुकामी अकाबरीन इस पार्टी को छोड़कर गए जाने दिए, उनका अपना एक मामला था, एक माहौल ऐसा था कि इस शहर से कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक आप लोग कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में देख कर हमको भी हौसला मिलता है कि कांग्रेस इस शहर से ना कभी ख़त्म हुई थी ना कभी ख़त्म होगी। आज एजाज बेग ने कांग्रेस की डूबती नैया को जिस ढंग से पार लगाने की कोशिश की है और उसमें जो हौसला अफजा माहौल जो बना है उसमें आप जैसे नौजवान लोगों की बहुत ज़रूरत है। मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की वजह से हम लोग अगर यहाँ मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं तो हमको यहीं तक महदूद नहीं रह जाना है। उनके मिशन को, उनके प्रोग्राम को, कांग्रेस पार्टी के तमाम ही मिशन को हमको इस शहर में, इस शहर से बाहर लोगों तक आश्वार करना है और ये कोशिश करना है कि कांग्रेस अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल करे और इस देश पर अगर राज करने का, सबको साथ लेकर चलने का किसी को हक है तो ये सब मान चुके हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई तारीख नहीं लिखी जा सकती। वो हार गई और मोहब्बत और अच्छा काम जीत गए, ये खुशी लेकर आज हम यहाँ पर जमा हुए और कुछ वक्त में हम जो है शहर के अंदर में निकलकर भी तकसीम करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए छोटी जीत नहीं है, ये एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से फिरका परस्तों के खिलाफ पार्लियामेंट में अगर कोई आवाज उठाता था और सच बात कहता था, आज हिंदू मुस्लिम एकता की कोई लड़ाई लड़ता था तो वो हमारे लीडर राहुल गांधी जी थे। आज पिछली जो इनकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको ये इल्म होगा कि कई दहशत गर्दों ने हक की आवाज उठाने वालों का कत्लेआम कर दिया। जिस तरीके से राजीव गांधी जी थे, इस तरीके से उन पे हमला कर उनका कत्लेआम कर दिया। तो ये जो भगवत ताकतें जो शहर के अंदर माहौल खराब कर हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुंचा रही है, उसके खिलाफ कौन बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। और आज राहुल गांधी जी जो है वो हिंदुस्तान की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि वो हर मजहब के मानने वालों को आपस में जोड़ रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहलाती है, तो वहां के हर मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, ये मुख्तसर सा प्रोग्राम जो है उनकी मोहब्बत में रखा गया, उनकी जीत के अंदर रखा गया और इंशाल्लाह हम जो मिठाइयां भी तस्वीर